माय वंडरफुल गाइस, यस सर। गो थ्रू लास्ट लेक्चर नोट्स। इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन, यू प्लीज आस्क। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। एनिलकीन ए C16H16 ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स ओनली वन प्रोडक्ट बी C8H8O compound B on reaction with NaOI gives sodium benzoate. Compound B reacts with NH2NH2KOH. Giving a hydrocarbon C, C8H10. Right, structures of B and C based on these information. Two isomeric structures can be proposed for A. अब करना क्या है? Identify that structure which gives racemic mixture, on catalytic hydrogenation, Get the answer quick.
उभार है चलिए डिस्कशन कर लें कैसा। देखो क्वेश्चन में खास बात क्या है, स्टार्टिंग से ही मैंने आपको समझाया था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में। अगर तुम इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालोगे तो एक आइडिया लग जाएगा कि करना क्या है। लेकिन वैसे भी एक हिंट ये है कि आप जब भी ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं और तुमको लग रहा है कि कार्बन बहुत ज्यादा हाइड्रोजन कम है तो कोशिश करना कि बेंजीन वगैरह के बारे में सोचो। और यहाँ खुद भी देखो सोडियम बेंजोएट करके लिखा है, सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम स्ट्रक्चर क्या होता है, सोडियम बेंजोएट ऐसे होता है सी डबल बेंजोइक एसिड से आता है ना, तो ये ऐसा दिखता है। ये आया कहां से भी? ये आया है ए से रिएक्शन करने के बाद, इसका मतलब ए में ये कुछ ना कुछ ऐसा हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, वैसे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आप निकाल लो, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन फॉर्मूला क्या बताया था, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस वन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डिवाइडेड बाय टू, और तो कुछ है ही नहीं नाइट्रोजन वगैरह, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 16 है, प्लस वन हाइड्रोजन कितने हैं 16 है डिवाइडेड बाय टू कितना हुआ, ये कितना डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आ गया, नाइन नाइन डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है। तो इसका मतलब इसमें 9 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होगा, वो भी हम क्रॉस चेक कर लेंगे। सबसे पहले कहता है कि जो C16H16 है ये कोई तो एल्कीन है ना, तो एल्कीन जो भी होगा उसका स्ट्रक्चर ऐसा मान लेंगे। ये जो चारों तरफ आपको दिख रहा है ना ये हिस्सा आइडेंटिकल है, कैसे पता चला, वो कहता है कि गिव्स ओनली वन प्रोडक्ट पी, तो जब आप सिंथेसिस कराते हो तो ये बॉन्ड क्लीवेज होता है ऐसा, और आपको ये मिलता है, इसी के परहाप्स दो मॉलिक्यूल मिले होंगे। और फिर वो कहता है कि जो भी आपको मिला ये कंपाउंड जो है वो NaOI के साथ रिएक्शन करता है। अब NaOI है क्या, रिकॉल करो लास्ट लेक्चर पढ़ा था मैंने, आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट या आयोडोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म रिएक्शन, व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड्स गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन, बहुत सिंपल है CH3CO ये होना मस्ट है अगर हेलोफॉर्म रिएक्शन देना है तो ये होना। अब दिख रहा है यहां पर, तो यहां एक तो पक्का CH3 रहा होगा, पक्का CH3 रहा होगा, दूसरी तरफ कौन होगा वो कैसे पता चलता है, क्योंकि एक प्रोडक्ट तो CHI3 मिलेगा यहाँ पर, दूसरा वो तो बोल रहा है सोडियम बेंजोएट, सो राइट सोडियम बेंजोएट COONA, इसका मतलब है ये हिस्सा जो दिख रहा है ना ये इसको यहाँ, क्योंकि ये आपका पूरा यहां से लगा करके आपको सोडियम बेंजोएट मिलता है, इसका मतलब है कि ये आपका बेंजीन होगा। ठीक, यस ध्यान ये रखना है कि मान लीजिए RCOCH3 लिखा होता तो आपको जो CH3 है यहां से मिल जाता है ये, और ये आपको देता है ये, इसका मतलब R आपका बेंजीन हो गया। अगर आप यहां पर मान भी ले तो आपका यहां पर R बेंजीन है ऐसा आना है, यहाँ CH3 आना है, यहाँ ये आना है, यहाँ CH3 आना, तभी जाकर के आपको CH3CO और ये फिनाइल, ये दो बन सकते हैं, ऐसे ऐसे दो बन सकते हैं। क्यों, क्योंकि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, आप ऐसा ट्रांस भी बना सकते हो, इसीलिए वो देखो कहता है कि ए के दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं और दोनों आइसोमर से, तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों में से कह रहा है कि उसको आइडेंटिफाई करो जो कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन पे आपको रेसिमिक पिक्चर देता है। तो हम लोग ने फंडा क्या लिख रखा था बेटा, छत्रपति शिवाजी महाराज, याद है
इन एडिशन मेजो प्रोडक्ट. तो यहाँ पर आपका एक दूसरा हमने क्या लिखा था, ट्रांसिटर रिक्शा, बिल्कुल सही. ट्रांसल्किन सिन एडिशन रसमिक पिक्चर, उसने रसमिक पिक्चर वाला पूछा है, इसलिए कौन सा प्रोडक्ट आप लिख दो, कौन सा कंपाउंड लिख दो, ये स्ट्रक्चर आप लिख दोगे. इसके अलावा जो आगे बढ़ने पर यहाँ रिएक्शन होती है, वो कहता है कि जो बी है, ये जो बी है इसका रिडक्शन कराते हैं, ये इसको वुल्फ किशनर रिडक्शन, अगर याद हो आप, तो ये क्या करेगा, जो सीओ है इसको सी एच टू बना देगा. तो आपका जो ये कंपाउंड यहाँ पर लिखा हुआ है सी, ओ पर आप सी ए वाला है, ठीक है ये. और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आप कंफर्म करना चाहो तो कंफर्म भी कर सकते हो. बेंजीन ड्रिंक के पास 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होती है, और 2 बेंजीन का मतलब 8 हो गया, और बीच में एक डबल बॉन्ड है, यानी कि ये कंफर्म कर दिया हमने. इसको नोट करो बेटा. यस.
कॉपी बड़ा सर हो गया डन सर। चलो गाइस, हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में लगभग सब कर लिया था। एक छोटी सी रिएक्शन और रह गई है, उसको लिखिएगा पेयर विलीगर रिएक्शन। बेयर-विलीगर रिएक्शन। बेयर-विलीगर रिएक्शन में बेयर-विलीगर रिएक्शन में बेसिकली कन्वर्जन है कीटोन का एस्टर, ऑक्सीडेशन ही हो रहा है ये। अगर आप ध्यान से देखो तो इस एस्टर में और कीटोन में क्या डिफरेंस, एक ऑक्सीजन का, ये इस ऑक्सीजन का डिफरेंस है, तो ये ऑक्सीजन इंसर्ट हुआ है। तो यहाँ पर जो रिएजेंट यूज करते हैं, एक रिएजेंट है H2SO5, इसको कैरोज एसिड कहते हैं। इसके अलावा आप जनरल मैनर पे लिख सकते हैं पेरोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, पेरोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, पेरोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है उसको यूज कर सकते हैं। इसी के एग्जांपल बहुत सारे हैं, CF3CO3H है, MCPDA है, अगर आप रिकॉल करें हम लोगों ने ये एल्कीन चैप्टर में ऑक्सीडेशन के लिए पढ़ा था, मेटाक्लोरोपेरोक्सीबेंजोइक एसिड, तो ये सब इंसर्शन के काम में आते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली में रिएक्शन क्या है, कन्वर्जन ऑफ कीटोन टू एस्टर, कन्वर्जन ऑफ कीटोन इंटू एस्टर। ठीक है, इतना पहले कॉपी कर लो और फिर हम लोग इसकी मैकेनिज्म कर लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी लिख लेना, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन कार्बोनिल कार्बन एंड बल्की एल्काइल ग्रुप। बल्की एल्काइल ग्रुप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है उसमें टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी एल्काइल रहता है।
चल अभी इसमें मैकेनिज्म कर लेते हैं. R C डबल बॉन्ड R इसमें कैसा है, बिकॉज एसिडिक कंडीशंस रहती है तो आप इसको सबसे पहले प्रोटोनेट कर दो. प्रोटोनेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है बिकॉज आप चाहते हो कि ये जो शिफ्टिंग है पाई इलेक्ट्रॉन्स की ये बहुत आसान हो जाए. इससे क्या होगा, रिएक्टिविटी बिकॉज इस कार्बन पे डिपेंड करती है, इसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पे. तो इवन कोई अगर यू नो बीकर भी अगर न्यूक्लियोफाइल है तो वो भी अटैक कर पाए, इसीलिए हम लोग इसको प्रोटोनेट करते हैं. तो ये बन जाता है आर सी, यहाँ पर ओ एच लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर ओ या देन एच प्लस और यहाँ पर ओ सी ओ आर डैश कर दिया और यहाँ पर ठीक है. इसको थोड़ा और अच्छे से ये हटा देते हैं एच प्लस, तो यहाँ पर आप इसको दिखा सकते हो आर सी आर ओ एच ओ ओ सी डबल बॉन्ड आर एच. अब होता क्या है, बिकॉज आपको अगर प्रोडक्ट उसमें देखो, इसमें प्रोडक्ट में ये एस्टर बनता है, इसका मतलब है यार इन दोनों में से कोई एक ग्रुप जो है वो कार्बन से हटेगा. हटेगा तो जाएगा, माइग्रेट करेगा. हटेगा तो जाएगा कहाँ, माइग्रेट करेगा कहाँ, माइग्रेट उसके लिए कोई सामने इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन होना चाहिए, तब जाकर माइग्रेशन होता है. तो इस केस में क्या होता है, ये पार्ट लीविंग ग्रुप की तरह काम करता है, ये पार्ट लीविंग ग्रुप की तरह काम करता है. तो जब ये पार्ट लीव करने के लिए जाएगा तो ऑक्सीजन जो है वो बनेगा इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन, और जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन बनेगा तो इनमें से कोई एक एल्काइल ग्रुप ऐसे यहां माइग्रेट करेगा. फिर क्या होगा बेटा, कार्बन जो है वो बन जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. तो यहां का ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को मिलेगा, ये पार्ट यहां से हटेगा ऐसे. तो अगर आप देखोगे तो ओवरऑल एनालिसिस करने में आपको पता चलेगा कि आर सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस और यहाँ ओ यहाँ आर प्लस आर डैश सी ओ माइनस. अब इन दोनों को ठीक से लिख दो, आर सी ओ ओ आर दो और यहाँ पर आर डैश सी ओ एच कर दो, ये आपका डिजायर प्रोडक्ट है. जो इसमें सबसे बड़ी बात है, इतनी मैकेनिज्म आपको कुछ करना भी नहीं है, इतना कुछ पूछने वाला भी नहीं है, पूछ भी लेगा तो भी आप सेकंड्स में आंसर कर दोगे. अगर केवल इतना पता होगा कि अगर मैं यहाँ पर इन दोनों एल्काइल ग्रुप को डिफरेंट कर दूं तो कैसे आंसर डिसाइड होगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड. माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पहले से अपने को आता है, एच ग्रेटर देन फिनाइल ग्रेटर देन टर्शियरी एल्काइल ग्रेटर देन सेकेंडरी एल्काइल ग्रेटर देन प्राइमरी एल्काइल ग्रेटर देन मिथाइल. कॉपी कर लो
Done, sir. चल इसमें एक दो पॉइंट्स हैं बेटा, एक दो पॉइंट्स इसमें लिखने हैं, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे पहला पॉइंट इसमें आप ऐड करिएगा कि अगर आपने साइक्लिक कीटोन्स ले ली, जैसे मान लो मैं जानबूझकर आपको सिक्स मेंबर दे रहा हूं, क्योंकि हमें पता है कि सिक्स मेंबर को एक्सपैंड करने में थोड़ा सा हमें तकलीफ होगी, तो लेकिन ये सब फोर्स रिएक्शंस, अगर तुम इसमें कुछ कर नहीं सकते, तुम्हें ऑक्सीजन इंसर्ट करना ही है। अब ऑक्सीजन इंसर्ट करने में क्या होती है, बच्चे गलती कर देते हैं, ऑक्सीजन तो दिखा देते हैं और स्ट्रक्चर ये बना देते हैं, ये मिस्टेक हुई क्या इसमें, उसने रिंग का साइज नहीं ध्यान से देखा। अगर ऑक्सीजन इंसर्ट होगा तो रिंग का साइज सिक्स से क्या हो जाएगा, फाइव। इंसर्ट किया है बेटा, मतलब तुम साइज को क्या कर रहे हो, और बढ़ाओगे तो साइज तुम्हें यहाँ सिक्स से सेवन दिखाई देगा। इसको लैक्टोन कहते हैं, साइक्लिक एस्टर्स को क्या कहते हैं बेटा, लैक्टोन। आप यहाँ पर लिख देना साइक्लिक कीटोन्स गिव लैक्टोन्स, साइक्लिक कीटोन्स गिव लैक्टोन। यहाँ पर नेक्स्ट लिखिए बेटा, अल्फा डाइकीटोन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनहाइड्राइड्स, अल्फा डाइकीटोन्स मतलब इस टाइप का ऐसा दिया हुआ है उसको अल्फा डाइकीटोन कहते हैं, और बीच में ऑक्सीजन डाल दिया। Although syllabus wise हमारे पास जो मेन रिएक्शन है वैसा ही पढ़ना है, ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, हम लिख रहे हैं, कुछ नया पूछना होगा उसको तो perhaps ऐसा कुछ दे देगा, ठीक है, ये नोट कर लो बेटा। चल गाइस, अब सोचो अगर आपने एल्डिहाइड ले लिया होता, आपने अगर ये एल्डिहाइड ले लिया होता तो किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बड़ा अच्छा होता है, एच का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अच्छा होता, तो इसमें क्या आपको एस्टर मिल पाएगा, नो सर। नहीं, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो सकता है थोड़ा बहुत आपको इस तरह से
मिले एच जिसको फॉर्मेट कहते हैं एस्टर को यहाँ पर इस तरह से लिखा है एल्काइल फॉर्मेट इसको कहते हैं। तो ये आपका मेन प्रोडक्ट है हाँ, इसकी ही बात कर। हाँ मतलब ऑल्दो सिलेबस में नहीं है लेकिन अगर इसको हम H2O2 के साथ रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सेलेनियम कंपाउंड तो ये इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। ये आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो वरना इग्नोर भी कर सकते हो। ये लिख लो बेटा फर्स्ट रिएक्शन में H3O1 को OR माइनस प्रोडक्ट क्या सर फर्स्ट रिएक्शन में HCO और बनता है पर माइनस बनते हैं माइनस क्वांटिटी। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूँ सर। फर्स्ट रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट कौन सा है कौन सा लिखा तो है MAIN उसका क्या मतलब है सर चलो हटा दें इसको डन सर। चलो ये ऑक्सीडेशन वाला सारा पार्ट फिनिश हो गया। अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की जो सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शंस का डिस्कशन है। मैंने पहले भी बोला हुआ था कि अगर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो तीन अगर स्टार्टिंग की जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन सिलेक्ट करना हो तो उनमें से एक एल्डोल कंडेंसेशन है एक कैनिजारो रिएक्शन है। तो आज हम लोग बेसिकली उसका डिस्कशन करेंगे। बिलीव मी रेगुलरली मतलब एवरी ईयर वी एक्सपेक्ट कि दो रिएक्शंस में से क्वेश्चन आ जाए। एक कंडेंसेशन रिएक्शन है दूसरी कंडेंसेशन नहीं है एल्डोल कंडेंसेशन मेन सिलेबस में और बाकी कई सारी कंडेंसेशन रिएक्शंस बट हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर में। ठीक है तो कंडेंसेशन रिएक्शंस होती क्यों है तो वो होती इसलिए क्योंकि आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन में अल्फा एच होता है। मान लीजिए मैं ये एल्डिहाइड यूज करता हूं तो इसमें ये जो कार्बन है इसका ये जो एच है ये एसिडिक एच होता है अल्फा एच। तो जो कंडेंसेशन रिएक्शंस हो रही हैं उनका रीजन क्या है कि उनके पास अल्फा एच अवेलेबल है। तो यहां पर हम ये भी बोल सकते हैं रिएक्शन ड्यू टू अल्फा एच ऐसा भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है तो हम जो पहला रिएक्शन यहाँ पर कंडेंसेशन का करेंगे वो है एल्डोल कंडेंसेशन। तो लिखिएगा यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन एल्डोल कंडेंसेशन एल्डोल कंडेंसेशन एल्डोल कंडेंसेशन का भी मैं नोट लिखा दूंगा आपको। लेकिन कॉन्सेप्चुअली होता क्या है कि वी टेक टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। मान लीजिए कि आपने टू मॉलिक्यूल्स ले लिए ये एसिटाल्डिहाइड। ठीक वो कहता है ये दो मॉलिक्यूल्स अगर आपने हमारे सिलेबस में ज्यादा बेस कैटलाइज्ड है लेकिन आप एसिड कैटलाइज्ड भी दिखा सकते हो। तो जैसे इसकी रिएक्शन आपने NaOH के साथ कराई डाइल्यूट NaOH तो होता क्या है कि ये जो CH3CHO है ये अल्फा एच निकलने के बाद ये जो यहां पर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करता है एंड प्रोडक्ट ये रहता है CH3CHOH एंड यहां पर आएगा CH2C डबल बॉन्ड OH। इसको कहते हैं अल्फा बीटा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन। इस पर्टिकुलर केस पे बीटा हाइड्रोक्सी हमने एल्डिहाइड दिखाया है। अगर मान लीजिए आपने कीटोन से शुरू किया होता मतलब स्टार्टिंग जो है CH3COCH3 मान लेते हैं है ना तो इसी तरह से रिएक्शन होगी यहाँ पर भी वही डाइल्यूट NaOH। तो यहाँ जो प्रोडक्ट दिखाई देगा वो कुछ ऐसा होगा तो इसको हम बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन।
ठीक है। अब ये जो बीटा हाइड्रोक्सीएल्डिहाइड है, बीटा हाइड्रोक्सीकीटोन है, ये अगर इसको हीट कर देते हैं, ठीक है, कई बार एसिड की प्रेजेंस पे हीट करते हैं, तो ये हो जाता है CH3CH डबल बॉन्ड CH CH, ठीक है। ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम तो प्रोटॉन एल्डिहाइड है, मैंने पहले सब लिखाया हुआ है। इसको भी इसी तरह से हीट करेंगे तो आप देखोगे तो CH3CH3 डबल बॉन्ड CH3OCH3, ये हो गया। तो अभी इसकी मैकेनिज्म करने से पहले ये कॉपी कर रहा है, इसके पहले एक नोट लिखिएगा, पहले नोट लिखना फिर ये रिएक्शंस कॉपी करना। रेडी है? यस सर। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस और डाइल्यूट एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस और डाइल्यूट एसिड, इन द ब्रैकेट यू कैन राइट NaOH, K2CO3, HCl, etc. NaOH, K2CO3, HCl, etc. Two molecules of aldehyde and two molecules of ketones combine to form beta hydroxy aldehyde or beta hydroxy ketone, beta hydroxy aldehyde or beta hydroxy ketone that we call as aldol. क्या बोलते हैं बेटा? aldol, aldol, that we call as aldol, which on heating, कई बार heat नहीं भी दिया होता है, हाँ तो rigid नहीं होना आपने, which on heating sometimes in the presence of dilute acid, even Lewis acid, dilute acid, even Lewis acid, gives alpha beta unsaturated aldehyde or ketone, alpha beta unsaturated aldehyde or ketone by removal of H2O. कॉपी कर लो बेटा सामने वाली रिएक्शन।
डन सर। सबने नोट कर लिया बेटा? यस यस यस। ये भी नोट कर दो, फिर मैकेनिज्म कर लेते हैं इसको। चल अभी लिखिएगा बेटा मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। बहुत सिंपल है, स्टेप वन की बात करते हैं। वी हैव टू मॉलिक्यूल्स ना, सो आउट ऑफ टू मॉलिक्यूल्स वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड, लेट अस से एल्डिहाइड, वी हैव टेकन एज एल्डिहाइड, वन मॉलिक्यूल विल बी यूज्ड फॉर एसिडिक एच, अल्फा एच, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एसिडिक एच, OH- माइनस आएगा, एच को खाएगा, तो ये बन जाएगा सी एच माइनस सी डबल बॉन्ड ओ एच। इसको कहते हैं एनोलेट आयन, एनोलेट आयन, एनोलेट आयन। अब स्टेप टू पे जा, स्टेप टू, ये जो एनोलेट आयन आपको दिख रहा है, ये एनोलेट आयन बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर रखता है। अब एल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है, दैट अंडरगोस व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। एंड एनोलेट आयन इज अ न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करेगा एसिड, ये तो नॉर्मल रिएक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं, सी एच थ्री सी एच ओ माइनस और यहाँ पर सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है ना। अब आपने ऐसे लीकेज पहले निकाला था, वापस भी दे सकते हो, तो ये प्रोटोनेट करा दिया आपने इसको, तो ये बन जाएगा सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच। इसी को तो कहते हैं एल्डॉल, राइट, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब इसको क्या करना पड़ रहा है बेटा, हीट करना पड़ रहा है, तो क्या बन जा रहा है सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच, ठीक है। ये तो इसको नोट कर लो, फिर आपको कुछ पॉइंट्स लिखाते हैं इसको। हो गया, हटा दें? Yes. चलो अब इस पे कुछ पॉइंट्स लिखो बेटा, लिखिएगा हियर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डॉल, हियर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डॉल इज वेरी फास्ट, हियर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डॉल इज वेरी फास्ट ड्यू टू, दो रीजंस हैं इसके डिहाइड्रेट होने के, आसानी से क्यों आसानी से डिहाइड्रेट होता है, तो पहला रीजन लिखिएगा ड्यू टू एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ रिमेनिंग अल्फा एच,
एक अल्फा एस तो तुमने यहां ऊपर निकाल दिया था, वही वाला तो है यहां पर। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ रिमेनिंग अल्फा एच। नंबर टू प्रोडक्ट दैट वी गेट आफ्टर डिहाइड्रेशन, प्रोडक्ट दैट वी गेट आफ्टर डिहाइड्रेशन, प्रोडक्ट दैट वी गेट आफ्टर डिहाइड्रेशन इज स्टेबल ड्यू टू कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, इज स्टेबल ड्यू टू कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। क्लियर है बेटा? यहां पर एक चीज लिख लीजिएगा, एक और पॉइंट, बेस कैटलाइज एल्डोल एडिशन ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स इज नॉट वेरी मच फेवरेबल, इज नॉट वेरी मच फेवरेबल। ये जो आपको रिएक्शन दिख रही है बेटा, ये बहुत अच्छी नहीं है, द फॉरवर्ड रिएक्शन वो बहुत फेवरेबल नहीं है। इसमें क्या करना पड़ता है, स्पेशल एपरेटस यूज करते हैं हम लोग इसमें, जिससे होता क्या है कि प्रोडक्ट को हमको कंटिन्यूसली रिमूव करना पड़ता है, प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली रिमूव करना पड़ता है, तब जाकर के रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो स्पेशल एपरेटस, आप चाहो तो इसको इग्नोर कर दो, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, ये स्पेशल एपरेटस है जिससे हम प्रोडक्ट्स को कंटिन्यूसली रिमूव करते हैं, सो दैट रिएक्शन कैन मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, एंटायर रिएक्शन, वापस आते हैं, एंटायर रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम इंक्लूडिंग डिहाइड्रेशन, एंटायर रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, एंटायर रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम इंक्लूडिंग डिहाइड्रेशन। सामने देखो, एंटायर रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम इंक्लूडिंग डिहाइड्रेशन, सो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, सो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन कैन बी कन्वर्टेड बैक, कैन बी कन्वर्टेड बैक टू एल्डिहाइड और कीटोन, कैन बी कन्वर्टेड बैक टू एल्डिहाइड और कीटोन बाय ट्रीटमेंट विद, बाय ट्रीटमेंट विद स्ट्रॉन्ग बेस, बाय ट्रीटमेंट विद स्ट्रॉन्ग बेस OH minus, एंड दिस टाइप ऑफ यानी कि आप ये समझ लो कि आपको एग्जाम में ये दिया हो सकता है CH3 double bond C, CH3 ये हो गया डबल बॉन्ड और फिर यहां COCH3, ये एग्जाम में दिया है और तुमने इसमें OH माइनस डाल दिया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड हो इसमें, इसको रेट्रोग्रेड एल्डोल रिएक्शन कहते हैं। रेट्रोग्रेड एल्डोल रिएक्शन, रेट्रोग्रेड एल्डोल रिएक्शन, देख लो बेटा, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेट्रोग्रेड एल्डोल रिएक्शन।
हो गया? यस सर। चलो अब यहां पर लिखेगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन इसमें लिखिएगा, इफ वी टेक टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, इफ वी टेक टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ड्यूरिंग एल्डोल रिएक्शन we get a mixture of products इसको कई बार क्लेजन सिमेट रिएक्शन भी कहते हैं। देखो बहुत सिंपल है, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड 2 H और CH3 CH2 C डबल बॉन्ड 2 H है ना, ये ले लिया हमने और इसका ट्रीटमेंट हमने करा दिया डाइल्यूट एनियोटिक। तो अब बार बार इतनी बड़ी मैकेनिज्म तो करेंगे नहीं हम लोग, है ना। तो क्विकली आंसर लिखना है तो हम लोग क्या, अच्छा इसमें वन मोल मान के चलते हैं अगर, तो भी इसमें 6.022 × 10²³ मॉलिक्यूल्स है। तो आप ये टेंशन मत लेना कि वो 2 लिखकर आपको दे, आप इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले सकते हो, इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले सकते हो, रिएक्शन करा सकते हो। तो नाम भले ही क्रॉस एल्डोल है बट इसमें सेल्फ वाले प्रोडक्ट्स मिलेंगे, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा ना। तो ये अपने ही मॉलिक्यूल के साथ कंडेंसेशन, ये अपने ही मॉलिक्यूल के साथ कंडेंसेशन, फिर इसका अल्फा एच उसका कार्बोनिल, उसका अल्फा एच इसका कार्बोनिल, यही है पॉसिबिलिटी। तो हमारे पास सबसे पहले तो इसका आप वो अल्फा एच निकालकर एनोलेट आयन लिख दो, इसका अल्फा एच निकाल करके एनोलेट आयन लिख दो, है ना। अल्फा एच निकालना है, ध्यान देना, ये नहीं कि कहीं से कुछ भी कर दिया, ये हो गया। अब आप कॉम्बिनेशन बिठा लो कैसा, कि सबसे पहले तो ये वाला ही यहाँ पर अटैक कर सकता है, तो एक प्रोडक्ट यहाँ से ऐसा मिल जाएगा आपको CH3 CH OH और ये CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये सेल वाला मिला। फिर इसके बाद यहाँ पर आप जो है इसका सेल्फ बना लोगे, यानी ये यहां पर अटैक करेगा, ऐसा शिफ्टिंग होगा, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा CH3 CH2 CH OH CH CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये दूसरा सेल्फ का प्रोडक्ट मिल गया, राइट। अब क्रॉस वाले की बात कर लेते हैं, क्रॉस वाले में क्या होगा, ये वाला यहां अटैक करेगा, तो जब वहां अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वहां से स्टार्ट करते हैं CH3 CH2 CH OH और इधर से CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये आपका एक प्रोडक्ट हो गया। फिर कैसे होगा, आप उधर शुरू कर दो यहां से और अटैक यहां करा दो, तो प्रोडक्ट क्या लिखोगे CH3 CH OH, जिस कार्बन पे अटैक होता है ना कार्बन, स्टार्टिंग वहां से करते हैं प्रोडक्ट लिखने, और फिर ये अटैक किसने किया है इसको इस तरह से शुरू कर देंगे। देखो कोई कंफ्यूजन है, चार प्रोडक्ट्स आपको मिल गए, 4 प्रोडक्ट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, कॉपी कर लो बेटा इसको।
Done, sir. Done, sir. यहीं पर ऐसा भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है अलग अलग बुक्स में कि इफ वी टेक वन कार्बनिक कंपाउंड एज यू नो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटो, जैसे मान लीजिए आपने ये ले लिया है ना, और दूसरा आपने ले लिया एलिफैटिक, एक एरोमेटिक और दूसरा एलिफैटिक ले लिया, मान लीजिए कि आपने ये ले लिया, ठीक है, तो इसको क्लेजन रिएक्शन भी बोल देते हैं। मैंने जैसे अभी लिखाया था तो कई बार इस तरह से भी एक दिया हो सकता है आपको, ज्यादा सोचना नहीं है इसमें, फिर से यहाँ पर वही डायल्यूट बेस। तो कई बार इस तरह के प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे मान लीजिए कि आप ये दिखाई दे रहा है कि इसके पास तो अल्फा एच है नहीं, तो यहाँ से तो आप अल्फा एच निकाल नहीं सकते, अल्फा एच केवल यहीं से निकाला जाएगा, अल्फा एच यहाँ से निकलेगा और कार्बनिक कार्बन इसका जिसपे अटैक होगा, तो आप प्रोडक्ट के बारे में सोचो कैसा होगा कि आप पहले यहाँ माइनस बनाओगे, यहाँ अटैक होगा, समझ में आ रहा है ना? यस सर, यस पीएच ओएच सीएच2 सीओ और फिर इसका डिहाइड्रेशन भी हम लिख सकते हैं इस तरह से आगे, ठीक है, तो ऐसा कुछ नया नहीं है। हाँ मतलब अगर कुछ ऐसे लिखे हुए मिल जाए तो घबराना नहीं, ये सब वही सब है, इसमें कुछ नया नहीं। कॉपी कर लो बड़ा इसको, सर इसमें एक प्रोडक्ट सेल्फ रहेगा और एक क्रॉस रहेगा ना? हाँ वो सेल्फ भी बन सकता है, चलिए नेक्स्ट लिखिएगा बेटा, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन।
इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। सिंपल नाम से ही वैसे पता चल रहा है। अब मान लीजिए ये दिया हुआ है और इसका ट्रीटमेंट उन्होंने एनीवेज डाइल्यूट एनएम से करा दिया, तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आपको दो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप्स मिल रहे हैं, अल्फा एच भी अवेलेबल है। तो जो काम हम दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के साथ कर रहे थे वो इंटरनली यहां पर होगा। तो सबसे पहले क्या काम करना है, अल्फा एच आइडेंटिफाई करना है कहां कहां। अल्फा एच यहां पर है, अल्फा एच यहां पर है, अल्फा एच यहां पर है। तो प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे, आप अल्फा एच यहां से निकालो और अटैक इस पे करा दो, दैट विल बी वन इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। फिर उसके बाद दूसरा क्या, यहां से अल्फा एच निकालो अटैक यहां करा दो, ठीक है। फिर तीसरा क्या होगा, यहां से अल्फा एच निकालो और अटैक इधर कराएगा। तो ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है, हमें लिखना है मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो हाउ डू वी डिसाइड मेजर प्रोडक्ट, बहुत सिंपल है। सबसे पहली चीज है कि रिंग का साइज को कोशिश करनी है कि सिक्स मेंबर्ड रिंग मिले, yes, तो फाइव, यानी हम फाइव सिक्स के आसपास कोशिश करेंगे कि रहे। और आप टेंशन मत, क्वेश्चन वो इस तरह से फ्रेम करता है कि आपको कंडीशंस एक ही डायरेक्शंस में लेके जाएगा प्रोडक्ट को, ये नहीं कि आप सोचेंगे कि बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन वाला आपको कंडीशन दे देगा, ऐसा नहीं होगा। तो सिक्स मेंबर की कोशिश रहेगी। फिर दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, किस चीज के लिए बेटा, फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स फॉर न्यूक्लियर, यानी कि अगर आपको जरूरत लगी कि हम किसका सी डबल बॉन्डो चूज करें रिएक्शन कराने के लिए, तो आप एल्डिहाइड के सी डबल बॉन्डो पे अटैक कराना। तो बाय डिफॉल्ट अल्फा एच कहां से निकालोगे बेटा, कीटोन से, कीटोन से, क्योंकि वैसे भी कीटोन का एडॉल बहुत अच्छा नहीं होता है ना, अभी हमने लिखा था। तो ये सारी चीजें ध्यान रखोगे ना, तो आप कहां से अल्फा एच निकालोगे। तो आप देखो, अगर ये आप अल्फा एच चूज करो ना, ये कार्ड है, तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग मिल रही है ना, रिंग का साइज परफेक्ट हो रहा है, अल्फा एच कीटोन की तरफ से हो गया और अटैक किस पे हुआ, एल्डिहाइड में। तो इस तरह से आपको 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग मिली और 6 मेंबर रिंग आप सुंदर सी कुछ ऐसी बना दो। आप ये याद रखना है कि आपने यहां से अल्फा एच निकाला था, यहाँ पर इसका मतलब सी एच है और इसी से जुड़ा हुआ आपको सी डबल बॉन्ड और सी एच थ्री लिखना है, और ये तुमने जाकर इधर कनेक्ट किया इसके साथ, इसके साथ, तो ये ओ एच बन जाता है, राइट। ये आपका मिल गया एल्डोल। अब एल्डोल का क्या होगा, इमीडिएट डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऐसा होगा कि अपने आप आपको समझ में आएगा कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिल रहा है। इसको कॉपी कर लो बेटा।
डन सर, 1 मिनट। गाइस तो हमने ये पार्ट भी फिनिश कर लिया। अब एल्गोल कंडेंसेशन के अलावा और भी कई सारी कंडेंसेशन रिएक्शंस हैं, बट उससे पहले हम लोग जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कैनिज़ारो, उसका डिस्कशन करेंगे। और तो कैनिज़ारो कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं है, बट उसका डिस्कशन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अब हेडिंग डालेंगे बेटा कैनिज़ारो रिएक्शन। yes, एक नोट लिखिएगा इसके लिए। 1 सेकंड। दिस रिएक्शन इज नॉट अ कंडेंसेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नॉट अ कंडेंसेशन रिएक्शन। पहले तो हाईलाइट कर ले है ना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। दिस रिएक्शन इज नॉट अ कंडेंसेशन रिएक्शन, बट रिएक्शन इज बेसिकली फॉर दोज एल्डिहाइड। इसके लिए बेटा एल्डिहाइड्स के लिए, कीटोन्स के लिए रिएक्शन नहीं है, हाईलाइट कर लेना। द रिएक्शन इज बेसिकली फॉर दोज एल्डिहाइड्स व्हिच कंटेन नो अल्फा एच। अब सोचिए, अभी हमने अल्फा एच वाली रिएक्शन की थी, ये क्या कहता है, अल्फा एच नहीं होगा तो ये रिएक्शन करानी है। Those aldehydes which contain no alpha H. No alpha H. No alpha H. When these are treated with concentrated base. When these are treated with concentrated base. When these are treated with concentrated base. They undergo self oxidation reduction। इसको हम लोग disproportionation भी बोल देते हैं। Disproportionation, same carbon is getting oxidized and reduced, ये concept है बड़ा यहाँ पर। और redox reaction chapter recall करिए तो उसमें यही पढ़ाया जाता है ना, इट इज प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। आगे लिखिएगा, टू गिव अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड अ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। टू गिव अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड अ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो लिखिएगा, एल्डिहाइड्स व्हिच हैव अल्फा एच डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। As their aldol reaction is much faster. क्यों नहीं कैनिज़ारो reaction दे पाते, क्योंकि aldol जो reaction है उसका rate बहुत ज्यादा है। अब हमारे पास examples हैं क्या ऐसे aldehydes के जिनके पास alpha H ना हो? Yes, of course. Aromatic. अब सोचिए ना, जितने भी इस तरह के aromatic आप aldehydes लिखोगे वो सारे के सारे आपके इसी कॉल कर जाएंगे कैनिज़ारो में। फॉर्मल्डिहाइड इज अनदर एग्जांपल जिसके पास अल्फा एच नहीं है, राइट। या फिर कोई भी टर्शरी वाला आप लिख दो, कोई भी ऐसा टर्शरी वाला लिख दो
इनके पास अल्फा एच नहीं है, तो ये नो अल्फा एच वाले केसेस हैं एल्डिहाइड। ठीक, अब रिएक्शन क्या कह रहा था, रिएक्शन कह रहा था कि अगर आपने आर सी एच ओ लिया, इसके पास अल्फा एच नहीं है, दो मॉलिक्यूल्स लोगे NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH है, करीब 50% के आसपास कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं हम लोग, तो वन मॉलिक्यूल गेट्स रिड्यूस्ड, इसको आप रिड्यूस करा दो और गुरु मंत्र याद करो, एल्डिहाइड के नीचे वाला प्रोडक्ट क्या होता था, रिडक्शन एल्कोहल, फिर दूसरा यहाँ पर हम करा देंगे ऑक्सीडेशन, तो एल्डिहाइड से जस्ट ऊपर क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन क्या है बेसिक कंडीशन है तो सॉल्ट, यस सर। ठीक है, तो वन मॉलिक्यूल इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वन मॉलिक्यूल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन, यही है हमारा इस प्रोपोर्शन, लिख लो बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन है ये, डन सर, हो गया सर, यस सर, डन। चल अब लिखिएगा मैकेनिज्म ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन। गाइस इसमें थोड़ी सी एक्चुअली अनसर्टेनिटी है मैकेनिज्म में, उसका रीजन ये है कि जब एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं तो कभी इसकी रिएक्शन की ऑर्डर, ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, तो ऑर्डर समटाइम्स वी गेट 3, समटाइम्स वी गेट ऑर्डर 4, जबकि ज्यादातर केसेस में हमें ऐसा यू नो डिफिकल्टी नहीं आती है, ऑर्डर वो फिक्स्ड होता है, किसी कोई एक ही रहता है, तो इसमें किस तरह से मैकेनिज्म प्रपोज किया है वो देखता है। अभी मान लीजिए कि आपने आर सी एच ओ लिख दिया ये, ठीक, अब आर सी एच ओ किसके साथ है, ओ एच माइनस के, तो ओ एच माइनस यहां पर एक बेस की तरह काम नहीं कर पाएगा बिकॉज इसके पास अल्फा एच नहीं है, है ना, अल्फा एच नहीं है, तो ये किस तरह से काम करेगा, एज न्यूक्लियोफाइल की तरह एल्डिहाइड्स पर अटैक कर देगा, क्योंकि उसके पास अल्फा एच होता तो ये उसके अल्फा एच को निकालता, बेस का काम करता, इसके पास दो कैरेक्टर है, बेस है, न्यूक्लियोफाइल है, दो कैरेक्टर है OH माइनस के पास, तो यहां पर हम लोग इस तरह से दिखाएंगे, इस तरह से हम लोग इस पर दिखा देंगे आर सी एच ओ माइनस और यहां पर OH ने अटैक कर दिया। अब इसमें मान लीजिए आपने कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी ज्यादा ले ली OH माइनस, तो इट इज बिलीव कि OH माइनस जो है ना, ये जो H है विच इज H कनेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो जनरली OH माइनस अगर ज्यादा पड़ा होता है तो वो H को निकाल देता है,
तो ये इस तरह से यहां भी ओ माइनस आ जाएगा। अब इसका फायदा या नुकसान क्या हुआ कि ये जो ओ माइनस है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इंडक्टिव इफेक्ट में चेक करोगे तो ये नंबर वन है। एक और आ गया और अच्छी बात है, और आर ग्रुप यहाँ एल्काइल जो ग्रुप है वो भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है प्लस आई से। इससे क्या हुआ कि सारे ग्रुप्स कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहे हैं, तो अगर सारे ग्रुप्स कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन पुश करेगा इस डायरेक्शन में, तो एच रिलीज हुआ यहाँ पर एच माइनस की तरह। ध्यान देना एच कैसे रिलीज हो रहा है यहाँ पर, एच माइनस की तरह रिलीज हो रहा है। अब आप दूसरा मॉलिक्यूल ले लो एल्डिहाइड का, आप देखो दो मॉलिक्यूल यूज किए हम लोगों ने रिएक्शन, दूसरा मॉलिक्यूल का कैसे यूज कर पा रहे हैं लोग, तो वो जो एच माइनस आ रहा है ना वो एच माइनस आएगा इसके पास, इसको कहते हैं हाइड्राइड ट्रांसफर स्टेप, हाइड्राइड ट्रांसफर स्टेप, और यही मेन है आपका आरडीएस स्टेप, यही है बेटा ये आरडीएस स्टेप है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो जहां भी हाइड्राइड ट्रांसफर होगा यही होगा। अब इसके बाद क्या होगा, कार्बन ट्राइवेलेंट भी हो सकता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ये पाई बॉन्ड इस तरह से क्रिएट करेगा तो एक प्रोडक्ट मिल जाएगा आर सी ओ ओ माइनस और एक मिलेगा आर सी एच टू ओ माइनस के बाद वो ओ एच बन जाएगा। मेरे ख्याल से कोई डिफिकल्टी नहीं। अब इसमें इट इज बिलीव की मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा नहीं, हाई तो होना चाहिए उतना हाई नहीं है, तो क्या होगा ये वाला भी इस तरह से एच माइनस को निकाल सकता है, यहाँ पर भी हाइड्राइड ट्रांसफर उसी तरह से हो सकता है, यहाँ भी आपका एक प्रोडक्ट आर सी एच टू ओ एच और एक प्रोडक्ट आर सी ओ माइनस मिल सकता है। तो कितना अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया गया, आप इस बात को ध्यान से देखो, अगर आपने ये वाली मैकेनिज्म कंसीडर की तो बताइए कि कितने मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड के हमने यूज किए, एक आर सी एच यहाँ दिख रहा है, एक आर सी एच यहाँ दिख रहा है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल टू, तो आर सी एच ओ की पावर टू दिखा देगी, क्योंकि जितने भी स्टेप्स होते हैं सारे स्टेप्स को एलिमेंट्री स्टेप्स माना जाता है, तो उसमें आप ये नहीं बोलेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से आपने ऑर्डर कैसे निकाल दिया, तो हर स्टेप एलिमेंट्री होता है, वहां पर जो ऑर्डर और जो मॉलिक्यूलरिटी है वो सेम रहती है, तो आर सी एच ओ के दो मॉलिक्यूल इसलिए पावर दो देता है। अभी ओ एच माइनस का कितने मॉलिक्यूल यूज किए बड़ा, एक, तो यहाँ पर ओ एच माइनस की पावर एक दिखा रही है, तो बताइए ऑर्डर कितनी निकली यहाँ पर, थ्री निकली। अब सोचिए अगर यहीं पर हमने जो दूसरा वाला है मतलब ये वाला ले लिया होता, ये वाला तो यहाँ पर देखने पर रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे हम लोग कितने मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के यूज किए हमने, दो मॉलिक्यूल, तो और ओ एच माइनस टू, तो इसलिए यहाँ ऑर्डर क्या हो गया, फोर हो गया। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। यस सर, इसको कॉपी कर लो बेटा, फिर इसके पॉइंट्स लिखा दे।
डन सर। यस सर। चल तो कुछ पॉइंट्स लिखिएगा इसमें बेटा, मैकेनिज्म हमने कंप्लीट की, अभी पॉइंट्स लिखिए इस पर बेस। यस सर। फर्स्ट पॉइंट यू राइट, ऑलरेडी मैंने जैसे लिखा है यहाँ पर, हाइड्राइड ट्रांसफर स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हाइड्राइड ट्रांसफर स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। पॉइंट नंबर टू, इफ द रिएक्शन इज कैरीड आउट with very high concentration of base, then it is second order with respect to substrate, and second order with respect to base. Second order with respect to base. Overall order is 4. If the concentration of base is not very high, then it is second order with respect to substrate, and first order with respect to base. Overall order of the reaction is 3. Next likhiyega. When the reaction is carried out in D2O, D2O solvent, then formed alcohol contains no alpha deuterium, because Hydride is transferred from one molecule of aldehyde to another molecule of aldehyde, and not from the solvent. Guys, ध्यान से देखो। मान लीजिए कि आपने रिएक्शन करा दी NaOD और D2O सॉल्वेंट, पहले H2O सॉल्वेंट था, तो याद रखना कि यहां पर, क्योंकि आप फाइनली जब एल्कोहल लिखते हो तो ऐसा RCH2 बनता है, याद है ऐसा, और फिर OH, ये तो ध्यान ये रखना है कि ये जो एक्स्ट्रा आपका H यहां पर आया है, पहले तो एक ही H था ना, अब ये जो एक्स्ट्रा एच आता है वो कहां से आता है, तो मैकेनिज्म आपको गाइड करती है कि वो एक्स्ट्रा एच एल्डिहाइड जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो पहले मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करता है, ठीक, सॉल्वेंट से नहीं आता। इसका मतलब है आप गलती से भी ये नहीं लिख दोगे जहां पर आपका अल्फा पोजिशन पे डी आ जाए, ऐसा ये तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग है, यही आपने नोट में लिखा। हाँ, हो सकता है प्रोटोनेशन के लिए वहां पर आप ऐसा ओ नहीं करके दिखा सकते, दैट इज ओके, बट अल्फा पोजीशन जो है उस पे डी नहीं आना चाहिए, यहां पर सॉल्वेंट वाली चीज नहीं आनी चाहिए, याद रख, कॉपी कर लो उसको।
पर मोड में वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड तो अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड के आगे क्या है? बस इतना ही, नॉट फ्रॉम सॉल्वेंट, बस इतना ही। चलो हो गया, नेक्स्ट पॉइंट पे जाए बेटा। यस सर। देखिएगा अब एक एक्सेप्शनल एग्जांपल। अभी देखो मेन हमने स्कैनिजर रिएक्शन में क्या लर्न किया कि मेन है कि जो रिएक्शन है, रिएक्शन इज गिवन बाय दोज एल्डिहाइड्स व्हिच कंटेन नो अल्फाइड। अब जो एक्सेप्शनल एग्जांपल है उसकी बात कर लेते हैं। तो लिखिएगा ऑल्दो दिस रिएक्शन इज, ऑल्दो दिस रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्डिहाइड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्डिहाइड which contain no alpha H. No alpha H. But certain aliphatic alpha monoalkylated aldehyde undergo quantitative disproportionation reaction when heated with NaOH at about 170 to 200 degrees Celsius, at about 170 to 200 degrees Celsius. Guys, look here. R C double bond O H. आप इसको देखो, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अल्फा पोजीशन पे H है। तो आइडियली जो हमने स्टार्टिंग के नोट लिखे उसके हिसाब से ये रिएक्शन नहीं करना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली आपको क्या मिलता है, इसीलिए मैंने बोला कि ये हमारे लिए एक्सेप्शनल एग्जांपल हो जाएगा। इसमें इवन दो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अल्फा पोजीशन पे एच है, बट यहाँ पर हम कौन सी रिएक्शन कराएंगे, कैनिज़ारो रिएक्शन। तो ये हमारे लिए एक एक्सेप्शनल एग्जांपल हो गया, इसको नोट कर लो बेटा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा अपने इसमें। इफ कैनिज़ारो रिएक्शन इज कैरीड आउट विद टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स, इफ कैनिज़ारो रिएक्शन इज कैरीड आउट with two different aldehydes, then it is known as cross-Cannizzaro reaction. क्या बोला था बेटा? Cross-Cannizzaro reaction. जैसे cross redox था वैसे cross-Cannizzaro reaction. आगे लिख देना, in cross-Cannizzaro reaction, in cross Cannizzaro reaction, if formaldehyde HCHO, if formaldehyde is one of the
एल्डिहाइड देन बीइंग अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट बीइंग अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट फॉर्मल्डिहाइड बीइंग अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट फॉर्मल्डिहाइड undergoes self oxidation. Formaldehyde undergoes self oxidation. ये याद रखना बेटा, बहुत काम की चीज है ये. कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक क्रॉस के रिजर्व रिएक्शन के लिए ये बेंजाल्डिहाइड चूज किया और दूसरा आपने ले लिया HCH. क्रॉस के रिजर्व रिएक्शन का एग्जाम्पल है, किसी के पास भी अल्फा एच नहीं है. याद रखना अगर अल्फा एच हो जाता है तो कौन सी रिएक्शन डोमिनेट करती है? एल्डोल कंडेंसेशन. किसी के पास भी अल्फा एच नहीं है तो आपको केवल ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराना है. तो हमने अभी जो पॉइंट लिखा उसके हिसाब से कौन ऑक्सीडाइज होगा सेल्फ ऑक्सीडेशन में? आप इस तरह से आप बना दोगे ये और इसको रिड्यूस कर दोगे बेंजाइलेट, तो ये बेंजाइल इक्वल बन जाएगा. ये प्रोडक्ट भी लिख लो बेटा. सब ने लिखी है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा, अल्फा कीटो एल्डिहाइड के इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन. अल्फा कीटो एल्डिहाइड गिव इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन. देखो अभी हम लोगों ने क्या लिखा था बेटा कि एल्डिहाइड्स का रिएक्शन है कैनिजारो, बट ये एक स्पेशल एग्जांपल आ गया. तो इसमें आप देखोगे तो अल्फा पोजीशन पे आपका ये सी डबल बॉन्ड लगा हुआ है. अब इसमें अगर OH माइनस डाल दोगे तो आपके नोट के हिसाब से क्या करना है, क्योंकि कीटोन रिड्यूस ही हो सकता है, ऑक्सीडाइज तो हो नहीं सकता. तो उसको ये बना दिया, इधर हमने COONa लगा दिया. NaOH के साथ रिएक्शन थी. कॉपी कर लो बेटा. Done, sir. Yes. चलो ये भी पॉइंट हो गया. As I told you earlier कि दो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, एल्डोल कंडेंसेशन है कैनिजारो रिएक्शन. तो एक कॉम्बिनेशन उनका जो होता है उसको टॉलरेंस रिएक्शन कहते हैं. टॉलरेंस रिएक्शन वो कहना ये चाहता है कि अगर बाई चांस आपके पास लेट अस से यहां एच है ना, और एच है तो, और इसमें आपने फॉर्मल्डिहाइड डाल दिया, फॉर्मल्डिहाइड के पास तो अल्फा एच है नहीं, तो ये आपस में अगर एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक होगा, एच यहां से हटेगा. और फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक जब भी होता है तो फॉर्मल्डिहाइड अपने आप को CH2OH में कन्वर्ट कर लेता है. ये प्रोडक्ट हो गया बेटा. अब इसमें कोई भी अल्फा एच नहीं बचा है. अगर तुमने अब इसमें NaOH डाल दिया या OH माइनस डाल दिया तो क्या होगा कि ये सेल्फ ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होगा. तो ये कुछ ऐसा CH2OH यहां पर इस तरह से बना दिया. ठीक है, तो ये इसमें क्या हुआ बेटा. अच्छा, ये NaOH के साथ, सॉरी, इसमें HCHO भी डालना है ना, ये ध्यान देना.
तो इससे क्या होगा कि अपने को ये दिखाना है कि इसको रिड्यूस करना है और HCHO को क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है। तो हुआ क्या, ये हमारी कौन सी चीज हो गई बेटा, क्या रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। और ये क्या हो गई, केनिजार हो गई। तो ये जो कॉम्बिनेशन हुआ इसी को टॉलरेंस रिएक्शन बोलते हैं। ये आप नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन आपको देता हूं। हो गया? यस सर। चलो क्वेश्चन एक लिखो बेटा। पूरा यकीन है मुझे कि आपको आ जाएगा। चलो बताओ, सबने ट्राई कर लिया, हो गया? हाँ सर।
डिस्कशन कर लें सर, सर एक मिनट, चलो कोई देखो पहली रिएक्शन को ध्यान से देखो, इसके पास देखोगे तो तीन अल्फाइज दिखाई दे रहे हैं। यस सर। इसका मतलब है कि ये तीन बार कौन सी रिएक्शन करेगा के साथ केनिजर रिएक्शन, और हर बार फॉर्मल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट होता है? CH2OH। अब इसके पास फिर से देखो अल्फा एच है, इस तरह दो और बार ये लगेगा, तो जो यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा? एक तरफ CHO और इस तरह से तीन तरफ आपको CH2OH। अब हम यहाँ बोलेंगे नो अल्फा एच, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? क्रॉस केनिजर रिएक्शन। यहाँ पर ये एल्डोल था, अब इसमें HCHO को तो HCO बना देंगे और ये आपके चार इस तरह से ग्रुप्स लगा देंगे कार्बन्स। इसको टेट्रा हाइड्रोक्सी मिथाइल मीथेन कहते हैं। Yes, डिजाइन कई बार इसका ऐसा बुक्स में तुम्हें बना हुआ मिल सकता है, बता दें। ठीक है, टेट्रा हाइड्रोक्सी मिथाइल मीथेन, इसके लिए जरूर लिख लेना कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड विच इज टेट्रा। इसका जो डेरिवेटिव, इसके डेरिवेटिव ऑफ दिस इज इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल, वो एक्चुअली पावरफुल एक्सक्लूसिव होता है। ठीक है, so this compound is important industrial compound, its tetra derivative is powerful exclusive, ye point likh lena। isko acche se likh kar rakhiye kyunki ho sakta hai tumhe ye directly exam mein mil jaye। सर हमने प्रोडक्ट के बारे में क्या बोला? प्रोडक्ट में इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड है, इसका टेट्रा नाइट्रो डेरिवेटिव जो है वो पावरफुल एक्सप्लोसिव है। ओके सर। हो गया, हटा दें सब। यस सर। यस यस सर यस। चलो लिखिएगा नेक्स्ट रिएक्शन, दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन का डिस्कशन फिनिश हो गया। टिशेंको रिएक्शन,
एक छोटा सा नोट इस पे डालिएगा, when aldehydes with or without alpha H, aldehydes with or without alpha H are treated with, when aldehydes with or without alpha H are treated with aluminium ethoxide, one molecule is oxidized. And one molecule is reduced. And they together form ester. जो एसिड और अल्कोहल मिलेगा वो एस्टर बना देगा. आप उसको देखो, स्टेटमेंट में कुछ मिस्टेक नहीं हो गई हो. दो मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड्स के हमने लिए, हम ये कह रहे हैं कि आप इसके पास अल्फा एच हो या नहीं हो, जबकि कैनिसारो रिएक्शन में क्या था, अल्फा एच नहीं होना चाहिए था. इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं बेटा, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड के साथ. तो इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट आप लिख कर रख लो RCOOH. अब इसमें कोई सॉल्ट तो है नहीं, अब तो ये कंबाइन करेगा एसिड प्लस अल्कोहल, ये क्या है, एस्टर फॉर्मेशन की रिएक्शन हो गई है ना. तो ये हो जाएगा आरसी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पर ओ सी, सी एच टू आर, ये एस्टर बन गया. इसको नोट कर लो. इस रिएक्शन में भी बेटा हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, और इसको कैटलाइज कर सकते हैं हम लोग. अलग अलग कंपाउंड्स हैं जैसे डाइसोडियम टेट्राकार्बोनिल फेरेट, उन सबकी जरूरत नहीं है, ऐसे ही मैंने बता दिया. यस सर. हो गया? यस सर. यस सर. अब एज आई टोल्ड यू कि कई सारी कंडेंसेशन रिएक्शंस हैं जो इतना ऐसा सिलेबस वाइज तो कह नहीं सकते, बट कॉन्सेप्चुअली डेफिनेटली दे कैन आस्क. तो एक रिएक्शन है नोएबेनाजल रिएक्शन. एक छोटा सा नोट लिखिएगा इसके लिए बेटा. This is condensation of aldehydes or ketones usually not containing alpha H, alpha H with compounds of the form, देखो ZCH3 हो सकता है, या फिर ज्यादा अच्छा है ZCH2 Z dash, या फिर हो सकता है ZCH Z dash
सेट डबल डैश सबके पास देखो अल्फा एच है, ठीक है। और किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं बेटा, जिसके पास अल्फा एच नहीं है, ऐसे एल्डिहाइड्स कीटोन्स के साथ। तो कॉन्सेप्चुअली देखो बहुत आसान है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, जहां पर अल्फा एच है वहां से अल्फा एच निकाल लेंगे और जिसके पास नहीं है उसके कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करा देंगे, ठीक है। यस कंपाउंड्स ऑफ द फॉर्म दीज वेयर वेयर जेड एंड जेड डैश जेड जेड डैश जेड डबल डैश कैन बी, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज लिख सकते हो बेटा, जैसे कि NO2 लिख सकते हो, जैसे कि CHO लिख सकते हो, CO लिख सकते हो, COOH लिख सकते हो, COOR लिख सकते हो, SO2R लिख सकते हो, ठीक है, CN लिख सकते हो, ये सारी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। Done, sir. Okay. चलो अब जैसे मान लीजिए इसमें मैं आपको ऐसा दे दूं PHCHO plus CH2COOC2H5 और यहां पर बेस है, कई बार बिकॉज ये काफी अच्छा एसिड है तो आपको बहुत अच्छा बेस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो एमाइंस है वो भी कई बार यहाँ पर ये हो सकते हैं। तो आपका पर्पस क्या है, इस H को निकाल देना है, CH माइनस बना देना है और कहाँ पर अटैक करा देना है, कार्बोनिल कार्बन पर, आंसर। तो आप यहाँ PH CHOH लिख देंगे, CH CO C2H5 इसको नोट कर लो बेटा। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस लिख सकते हैं बेटा, उसको फिर तुम ये नहीं सोचना है कि सिलेबस में है नहीं है। जैसे मैं PHCHO plus CH3NO2 आपको दे, है ना, तो ये ऑब्वियस है कि यहाँ पर अल्फा एच नहीं है, यहाँ अल्फा एच हमको दे रहा है वो, तो अगर साथ में बेस डला हुआ है तो बेस क्या करेगा, सबसे पहले इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ बना देगा CH2-NO2 एंड यही CH2- फिर यहाँ अटैक कर देगा। तो इसमें फिर तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, तुमने प्रोडक्ट बना दिया PHCHOH CH2NO2, थोड़ा रिजिड कम होना और हो सकता है डिहाइड्रेशन का प्रोडक्ट आपको लिखा हो, क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत आसान होता है, इसको नोट कर लो। सब में डिहाइड्रेशन के ही चांसेस रहते हैं बेटा। कॉपी दिस, यस सर। सर वो हमारी लास्ट स्लाइड रह गई थी, थोड़ी नोट करना ये वाले बेटा। हाँ सर, हाँ
हो गया शर। अब एक रिएक्शन दूसरी कंडेंसेशन की, इसको कहते हैं परकिन रिएक्शन। इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन जे में आए हुए हैं, परकिन रिएक्शन। पहले एक छोटा सा नोट लिखिएगा, इट इज द कंडेंसेशन ऑफ It is the condensation of aromatic aldehyde. It is the condensation of aromatic aldehyde with. It is the condensation of aromatic aldehyde with anhydrides of aliphatic acids, it is the condensation of aromatic aldehydes with anhydrides of aliphatic acids in the presence of sodium or potassium salt of the acid, एसिड। पढ़ लो बेटा क्या लिखा है आपने। सबसे पहली चीज है किस टाइप के कंपाउंड्स का यहाँ हमें एरोमेटिक और किसकी हेल्प लेनी है या किसको लेना है हमें, एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मान लीजिए कि आपने एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड ले लिया, तो दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। तो बेस आपको क्या लेना पड़ेगा, उसी एसिटिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट। तो ये है आपका रिएक्शन के लिए। तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है होता क्या है कि इसका अल्फाइस निकालेंगे और ये कनेक्ट करेंगे। पहले मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ फिर मैकेनिज्म का डिस्कशन करता हूँ। तो प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनता है, इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड कहते हैं। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। अब इसकी मैकेनिज्म क्या है, देखो मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। अपने पास ये कंपाउंड है, इससे भी एच निकलेगा तो हमारे पास ये डेफिनेटली आ गया। मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, हम इसमें सादा लाइंस लिख करके टाइम वेस्ट भी करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पे, हमारे पास जो ये एल्डिहाइड है यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन बनाएगा C6H5CH, यहाँ पर O माइनस CH2, सी डबल बॉन्डो O, सी डबल बॉन्डो CH3। फिर जब आप इसका प्रोटोनेशन करते हो बेटा तो होता क्या है कि उसपे ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का एनहाइड्राइड है ये भी हाइड्रोलाइज हो जाता है, तो ये ऐसा बन जाता है। ठीक, उसके बाद अगर डिहाइड्रेशन होता है तो ये डबल बॉन्ड दे देगा यहां पर, और आप ध्यान से देखोगे यही तो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। इसको कॉपी कर लेना,
सर वन मिनट डांस डांस इसमें दो तीन पॉइंट्स लिख लो बेटा। देखो अगर इसमें दो अल्फा एच है स्टार्टिंग में, यहां पर अगर यहां पर दो अल्फा एच है स्टार्टिंग में, यहां पर तीन तीन दिखाई दे रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन इज मस्ट। आप डिहाइड्रेशन को स्टॉप नहीं कर पाओ, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा लिखिएगा कि जो ये सामने आपको एल्डिहाइड दिख रहा है बेंजाइड, इसके अलावा और इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन दिखा सकते हो, या फिर अदर देन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स दीज टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड्स विल आल्सो गिव परकिन रिएक्शन। दीज टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड्स विल आल्सो गिव परकिन रिएक्शन। रिएक्शन इज नॉट सुटेबल फॉर एलिफैटिक एल्डिहाइड्स। इसके अलावा पॉइंट लिख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ कनेक्टेड तो रिएक्टिविटी का रेट जो है रिएक्शन का वो बढ़ गया। Done, sir. Okay, sir. तो परकिन रिएक्शन पे हमने फिनिश की। अब देखो कई बार क्या होता है कि कार्बोनिल जो कंपाउंड्स है वो तो हमने एल्डिहाइड्स कीटोन्स को बोलते हैं, लेकिन सी डबल बॉन्ड ओ जो है वो एस्टर में भी होता है, ठीक। तो एक उसी की रिएक्शन, उसकी कंडेंसेशन की रिएक्शन है, उसको कई बार बुक्स में क्लीजन कंडेंसेशन करके भी बोला जाता है। क्लीजन कंडेंसेशन करके भी बोलते हैं इसको। अब इसमें क्या होता है कि जो एक तो आपके पास अल्फा एच होना चाहिए, राइट। आपने ये ले लिया, आपके पास अल्फा एच, ऐसे दो मॉलिक्यूल्स आपने पिक कर लिए और यहाँ आपने बेस ले लिया। बेस कई सारी पॉसिबिलिटीज है, आप NaNH2 ले सकते हो, ठीक है, आप NaH ले सकते हो, आप KH ले सकते हो। कई बार एक बेस है LDA करके, मैंने पहले काफी बताया हुआ था उसको, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइलेमाइड, LDA करके बेस है, लिथियम आइसो डाई प्रोपाइलेमाइड। तो बेस आपने लिया, काम वही है बेटा, पहले एसिडिकेश निकाल दो, न्यूक्लियोफाइल बना दो और फिर उसको इस दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करा दो। कहां पर अटैक कराएंगे बेटा? कार्बन सी हो। अब डिफरेंस इसमें और प्रीवियस जो हम अभी तक रिएक्शन कर रहे थे उसमें क्या है, ये एस्टर है और एस्टर एडिशन रिएक्शंस के बजाय क्या दिखाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, AN-DN वाली रिएक्शन होती है। तो हम लोग ये पूरा नहीं प्रोसेस दिखाएंगे, केवल OR को हटा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा RCH2 C डबल बॉन्ड O CHRCOOR बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर। तो ये एक रिएक्शन आप लिख लो और यहाँ क्लियरली मेंशन कर देना कि डिफरेंस बिटवीन दिस रिएक्शन एंड एल्डोल रिएक्शन इज हियर इट इज सब्स्टिट्यूशन।
there it was addition. Done, sir. चल इसी का इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन जो होता है उसको डाइकमन कंडेंसेशन कहते हैं. जैसे मान लीजिए मैंने कंपाउंड ले लिया, ये और इसको बेस के साथ रिएक्शन करा, तो बेस सबसे पहले एसिटिक एसिड निकालेगा. तो आप देखोगे एसिटिक एसिड मान लीजिए यहां से निकाल ली, है ना, आपने लिख दिया R4CO CH2 यहाँ माइनस कर दिया, बेस CH बन गया और यहाँ CH2 होल फोर COOR. अब ये कहाँ अटैक करेगा, अटैक यहाँ, तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा. आप ध्यान से देखो कितने रिंग का साइज क्या मिला, यहाँ से 4 कार्बन 1 कार्बन और 1 कार्बन, 6 कार्बन एटम्स हो गए, है ना. यस सर. एक कार्बन जो CH है वही जुड़ा हुआ है सी डबल COOR, और ये जहां पर अटैक कर रहा था वो कार्बन सी डबल बॉन्ड हो, ठीक है. यस सर. यस सर. इसमें एक नोट लिखा देता हूँ मैं आपको. डांस अप. चलो एक नोट लिखिएगा बेटा. When two ester groups which are involved in the condensation reaction
when two ester groups which are involved in condensation reaction are in the same molecule, then we get a beta keto cyclic ester. Beta keto cyclic ester. And this is mostly used for 5, 6, even 7 membered ring. सर बीटा की तो क्या बीटा की तो साइक्लिक एस्टर एंड दिस इज मोस्टली यूज फॉर 5, 6, 7 मेंबर्ड रिंग्स ठीक है. कई बार क्या होता है लार्जर रिंग्स में भी हो जाता है पर उसमें हमको डाइल्यूशन का ध्यान रखना पड़ता है. हाई डाइल्यूशन रखते हैं तभी इसमें क्या बोलते हैं इसमें चाहिए तो आप इसको लिख भी लो. इफ यू वांट दिस फॉर लार्जर रिंग्स देन वी यूज हाई डाइल्यूशन. देन वी यूज हाई डाइल्यूशन. होता क्या है कि अगर आप हाई डाइल्यूशन ही रखोगे तो फिर ये रिंग बनाने के बजाय दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा. तो हाई डाइल्यूशन में क्या होगा मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी. तो इंटर मॉलिक्यूलर के बदले वो इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन करता है. डन सर. हो गया. यस. चलिए कुछ रिएक्शंस मैं आपको देखता हूं करने के लिए. चलो आंसर निकालो
कर ले डिस्कशन। यस सर हो गया बस। डन सर। यस सर डन। देखो अब ज्यादा आपको इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है। पहले वाले में देखो इसके पास कोई अल्फा एच नहीं है, नहीं है सर। इसके पास अल्फा एच है, बेस दिया हुआ है, सी एच टू माइनस बनेगा। यस सर यस सर। सारे आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर पीएच सी पी एच माइनस आया सी एच टू सी एन एच टू सी एन और फिर इसको प्रोटॉन दे दो। प्रोटॉन दे देंगे। यस सर। ठीक है ये हो गया। ज्यादा ज्यादा क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन आपको दिखाते है ना, ऐसा ये पद दिखा सकता है। फिर इस वाले में भी सेम वे में यहाँ क्या करोगे, एच निकालोगे, सी एच टू माइनस बनाओगे NO2, और ये अटैक यहाँ करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी ये HOCH2 और यहाँ पर CH2NO2। हाँ मतलब यहाँ पर आप माइनस पहले दिखा देंगे बिकॉज उसने H+ अलग से डाल रखा है, नहीं दिया होगा तो हम लोग वहीं पर लिख देते, ऐसा कोई वो नहीं। ठीक, यहाँ भी डिहाइड्रेशन दिखा सकते हैं बेटा, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CHNO2 इस तरह का प्रोडक्ट एक मिल सकता है आपको। Yes, sir. ये क्या है बेटा, फाइव मेंबर डाइक्विल कंडेंसेशन है ना, यहाँ से अल्फा एच निकालेंगे और यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन, तो मेरे ख्याल से फोर फाइव फाइव मेंबर फाइव मेंबर रिंग मिल गई, ऐसा दिखा देंगे सी डबल सी डबल बॉन्डो सी ओ सी टू एच डबल बॉन्डो। यस सर। इसको नोट कर लो एंड देन यू कैन टेक रेस्ट। डन सर। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। बाय।